दिल्ली कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्क है, इसलिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टेस्ट की को मैंडेटरी कर दिया गया है, ताकि जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट्स आने के बाद एयरपोर्ट पे अच्छी खासी तादाद में एक तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, खास करके सिक्योरिटी उन लोगों के लिए जो लोग आ रहे हैं, किस तरीके से उनकी देखभाल होगी। टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, सब लोगों के लिए टेस्टिंग कंपलसरी कर दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हम इंदिरा गांधी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 पे मौजूद हैं, और जेनिस्टिंग जो लैब जिसको सब कुछ काम दिया गया है, उनके ऑपरेशंस के लोग हमसे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बात बताएं कि अभी जो किया जा रहा है वो किस तरह से है और पहले से कितना डिफरेंट है, खास करके टेस्टिंग वगैरह की बात करें। सर, आप देखें, पहले से बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पहले ये था कि हम जो लोग आते थे उनको टेस्ट करते थे, वो वेट करते थे। अब उसमें ये चेंजेस है कि जो हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाइड हुए हैं, कंट्रीज़ लाइक UK, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, वो आएंगे और उनको विद इन 72 आवर्स अपने टेस्ट वहाँ से करा के भी आने हैं, और यहाँ पर भी कंपलसरी है, कोई एग्जम्पशन नहीं है फॉर दीज कंट्रीज़, मिडल ईस्ट एज वेल, बट हाई रिस्क एरिया जो आइडेंटिफाइड हुई हैं वो UK, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।